हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रश कैमी। मेरा नाम है अलक्षेंद्र राजादा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आती रहे। अगर आप पीसी पर हैं तो सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पर क्लिक करके सेव कर दीजिए, इससे हमारे चैनल की सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रश कैमी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक चैप्टर 7 तक की सारी वीडियो सारी समझ में आई होगी। आज के जो चैप्टर 8 की मैं वीडियो बनाऊंगा, ये मैं थोड़ी बड़ी बनाऊंगा, तो अगर आप इसे पूरी देखना चाहते हैं, मतलब पूरी आपको देखनी पड़ेगी अगर आप ये चैप्टर समझना चाहते हो, तो अगर आप ये चैप्टर समझना चाहते हो तो आप इसे दो बार देख सकते हो। आधा पार्ट आज देख लो, आधा पार्ट कल देख लीजिएगा, या फिर जैसा भी आपको टाइम लगे। लेकिन आपको ये थोड़ी लेंदी वीडियो होगी, कम से कम 1 घंटे तक की हो सकती है, कोशिश करूँगा छोटी बन जाए, लेकिन आपको सारी चीज़ें इसमें ढंग से समझाई जाएगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो आप एंड में बताना कि किस तरीके से आपको समझ में आया, और क्या अगर कोई भी चीज़ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हो नीचे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए, चैप्टर 8 आज हमारा है फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस करूँगा एक एक करके। डिफाइन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इंट्रोडक्शन टू सर्कुलेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन डेप्थ एंड सेकेंड विंड। ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आता है हमारा एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी साइंटिफिक स्टडी होती है स्ट्रक्चर की, किसके? ऑर्गेनिजम्स की, जिसमें उनके सिस्टम्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं और टिश्यूज होते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर क्या होती है? अपीयरेंस और पोजिशन अलग अलग पार्ट्स की, मटेरियल्स की जिससे ये बने हुए होते हैं, उनकी लोकेशंस और उनके रिलेशनशिप दूसरे पार्ट्स के साथ में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेल से हमारे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स, ऑर्गन से सिस्टम्स और बॉडी, फिर सिस्टम से बॉडी। तो ये क्या करके देखें कि कैसे आपस में रिलेटेड होती हैं सारी चीज़ें। ह्यूमन एनाटॉमी होती है स्टडी स्ट्रक्चर, शेप, साइज, वेट एंड लोकेशन ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, उनके शेप, साइज, वेट एंड लोकेशन और स्ट्रक्चर की स्टडी को हम ह्यूमन एनाटॉमी कहते हैं। एक डिटेल नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। आपको ज़्यादा क्लियरली नहीं देखेगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसे काफ़ी अच्छे से डिफाइन करके दिया है वहाँ। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी स्टडी होती है सारे सिस्टम के स्टडी करना ह्यूमन बॉडी के, और उनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप। यहाँ पे आप देख रहे होंगे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सिस्टम के ऊपर मार्क्ड हैं। ठीक है, एक तरफ मस्कुलर सिस्टम है, एक तरफ आपका बोन्स का सिस्टम है, एक तरफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक तरफ डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक तरफ सर्कुलेटरी सिस्टम है और एक तरफ नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो ये जो हमारी स्टडी होती है सिस्टम्स की ह्यूमन बॉडी की और उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप को, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये इंटर रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जो नॉलेज होती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है फिजिकल एजुकेशन को जानने में और स्पोर्ट्स को साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू के से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। जो परफॉर्मेंस होती है किसी भी एथलीट की, उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं ये समझ के कि इफेक्ट क्या होगा एक्सरसाइज का अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे एथलीट के। ठीक है, इसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंस होती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, फिजिकल एजुकेशन वो क्या होती है। एनाटॉमी जो होती है वो क्या करती है? नॉलेज देती है स्ट्रक्चर की अलग अलग ऑर्गन्स की। फिजियोलॉजी प्रोवाइड करती है नॉलेज फंक्शंस की अलग अलग ऑर्गन्स की, और मदद करती है ये प्रिवेंशन में स्पोर्ट्स इंजरीज की, चोट वोट ना लगें इस चीज़ को ध्यान रखती है, और हेल्पफुल होती है रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में और हेल्पफुल होती है सिलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स में, हेल्पफुल होती है प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ठीक है, इन सब चीज़ों में मददगार होती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, और भी मददगार होती है केमिकल चेंजेस को जानने में जो भी एक्सरसाइज के टाइम पे हो रहे होते हैं। मददगार होती है आपके एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस मेल्स और फीमेल्स में क्या होते हैं। हेल्पफुल होती है ये जानने में भी कि फर्स्ट एड क्या प्रोवाइड करना चाहिए स्पोर्ट्स पर्सन को। हेल्पफुल होते हैं फिजिकल फिटनेस डेवलपमेंट में, हेल्पफुल होते हैं स्पोर्ट्स मसाज में
और हेल्पफुल होते हैं नॉलेज प्रोवाइड करने में एनवायरमेंटल इफेक्ट्स के स्पोर्ट्स पर्सन पे। तो ये सारे बेनिफिट्स थे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के, अगर आप जानकारी होगी तो आपको इन सब चीज़ों में मदद मिलेगी। केमिकल चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो तो कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, वो हम देखेंगे कि करके क्या होते हैं। यहाँ पे दिखा रखा है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट का एक्सरसाइज का अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे एथलीट के, तो देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड में चेंजेस हो रहे हैं, ऑक्सीजन यूज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और एच प्लस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसके बाद लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पीएच लो हो रहा है। पीएच लो इसलिए हो रहा है क्योंकि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए पीएच लो हो रहा है। ओवरऑल अदर इफेक्ट्स क्या है, जो ब्रीदिंग रेट है वो भी इंक्रीज हो रहा है, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद हमारा आता है फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। स्केलेटन सिस्टम आपका क्या होता है, ह्यूमन स्केलेटन इंटरनल फ्रेमवर्क होता है बॉडी का और ये 270 बोन्स से बना होता है बर्थ में, जो सिर्फ 206 बोन्स रह जाती है एडल्टहुड जब कुछ बोन्स आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो 270 बोन्स से 206 बोन्स हो जाती हैं, कोई भी बोन्स गायब नहीं होती है, सिर्फ वो आपस में जुड़ जाती हैं, इस वजह से 206 बोन्स रह जाती हैं। जो ह्यूमन स्केलेटन होता है वो एक मेजर फंक्शन सर्व करता है, जैसे कि सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। ये ह्यूमन स्केलेटन का मेजर फंक्शन होता है, सपोर्ट देना, मूवमेंट करना, प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें स्केलेटन सिस्टम में होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्केलेटन दिख रहा है, स्कल आपकी खोपड़ी हो गई, फिक्स जॉइंट होता है यहाँ पे, पेरिटो टेम्पोरल, आप इसे मूव कर सकते हो, जैसे आप गर्दन घुमा सकते हो लेकिन आप इसे पूरा नहीं घुमा सकते, और अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग जॉइंट दिख रहे होंगे। शोल्डर पे आपको बोल एंड सॉकेट जॉइंट दिख रहा होगा, पता है आप उस तरह उस पोजीशन पे क्या कर सकते हो। वर्टिब्रा फिर आपको एक बोन दिखाई हुई है, स्टेरनम एक बोन दिखाई है, रिब दिखा रखी है, रेडियस, अल्ना और पेल्विस, ह्यूमरस, फेमूर, हिंज जॉइंट आपका नी में होता है, ठीक है, टीबिया, फिबुला, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बोन्स और आपके जॉइंट्स हैं जो आपका पूरा स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं। स्केलेटन सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है एक्सियल स्केलेटन जो बनता है वर्टिब्रल कॉलम से, रिब केज से और स्कल से, एक होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये अटैच होता है एक्सियल स्केलेटन से और ये बनता है पेक्टोरल गर्डल से, पेल्विक गर्डल एंड द बोन्स ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्स, ठीक है। तो दो हिस्सों में डिवाइड करते जाता है इसे। जो एक्सियल स्केलेटन होता है उसके अंदर आता है स्कल, स्टर्नम, रिब्स, हायोइड बोन और वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो आप बोन्स भी बता रखे हैं यहाँ पे, ऊपर 28 होती हैं स्कल में, फिर 1, फिर 24, 1 और 24 एडल्ट्स में। तो ये सारी बोन्स थी एक्सियल स्केलेटन की। इसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन की बता रखे, अपर लिम्ब में 64, लोअर लिम्ब्स में 62, ठीक है। फिर आता है आपका फंक्शंस क्या होता है बोन्स का, तो देखिए सबसे जो ऊपर आपको दिखा रखा है स्कल, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। जो क्रैनियम होता है ये प्रोटेक्ट करता है सॉफ्ट टिश्यू के ब्रेन को, इसलिए होता है स्कल पे आपका प्रोटेक्शन के लिए वो। और सेकंड है आपका शेप, ठीक है। स्केलेटन के बिना जो बॉडी है वो क्या होगी, फ्लेबी होगी या शेपलेस होगी। अगर ढांचा ही नहीं होगा आपका शरीर का तो आप क्या होगे, मतलब बिल्कुल ही ज़मीन से लगे हुए होगे, कोई आपको बॉडी का शेपलेस हो गए, बिल्कुल स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, जैसे आपका अमीबा होता है उस तरीके का कुछ होगा। तो थर्ड होगा आपका ब्लड प्योरिफिकेशन में भी हेल्प करता है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो रिब्स में बनते हैं, लिम्ब बोन्स में बनते हैं, ठीक है। तो ब्लड प्रोडक्शन में बोन्स का ही रोल होता है। फोर्थ है कैल्शियम स्टोरेज, बोन लार्जेस्ट सप्लाई होती है कैल्शियम की, ठीक है। तो बोन्स किससे बनती है, कैल्शियम से ही बनती है और यही कैल्शियम को स्टोर करके रखती है। फिफ्थ सपोर्ट, जो वर्टिब्रल सपोर्ट होता है ये हेड को सपोर्ट करता है, ठीक है। वर्टिब्रे जो होता है आप देख सकते हैं फिगर में, ये हिस्सा वर्टिब्रे है और ये सपोर्ट कर रहा है हेड को। इसके बाद प्रोटेक्शन, रिब केज भी प्रोटेक्शन करता है डेलिकेट हर्ट और लंग्स को, जो रिब केज होता है अंदर वो हर्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये केज की तरह होता है और उसके अंदर हर्ट और लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। मूवमेंट में भी हेल्प करती है स्केलेटल सिस्टम, बोन्स के बिना आप मूवमेंट नहीं कर सकते। जो बोन्स और जॉइंट्स होंगे वो साथ में मसल्स के वर्क करते हैं ताकि हम वॉक कर सकें, रन कर सकें या स्प्रिंट कर सकें। इसके बाद सब वही सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई, फंक्शन स्केलेटन सिस्टम के बता रखे हैं अभी। अच्छा, फंक्शंस बोन्स के बताया था, हाँ फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम के, इट प्रोवाइड सपोर्ट, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, बोनी सिस्टम सर्व्स फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, बोनी सिस्टम गिव्स शेप टू द बॉडी, एक्ट एज लीवर्स, पैसिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। ये आपका हो गया फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम।
एक मिस्टेक है यहाँ पे, बोनी सिस्टम नहीं है, बोन सिस्टम है, तो उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स, शेप और फॉर्मेशन के हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स, इरेगुलर बोन्स और सिसमॉइड बोन्स। ठीक है, तो आप पांच तरीके से शेप और फॉर्मेशन के हिसाब से बोन्स को क्लासीफाई कर सकते हो। अब क्या होती हैं ये अलग अलग करके देखते हैं। तो लॉन्ग बोन, ये लंगेटेड बोन होती है जिससे पावरफुल मसल जैसे कि जो आपकी लेग और आर्म की ये जुड़ी हुई होती हैं। शॉर्ट बोन होती है आपकी बोन्स जो होती हैं क्यूब्स की तरह दिखती हैं और ये फैसिलिटेट करती है फ्लेक्सिबिलिटी को जॉइंट्स के। एग्जाम्पल्स इसके अंदर होते हैं, बोन्स होते हैं रिस्ट के, एंकल के, और इसके बाद होती है आपकी फ्लैट बोन। ये थिन बोन्स होती हैं जो प्रोटेक्ट करती है कई ऑर्गन्स को, जैसे कि ज़्यादातर बोन्स आपकी स्कल की या फिर स्कैपुला की। ठीक है, तो इरेगुलर बोन होती है, ये बोन्स होती हैं अलग अलग शेप की, मतलब चेंज होती है शेप की, वेराइंग शेप्स एंड साइज की, जैसे कि वर्टिब्रे और कई बोन्स स्कल की या पेल्विस की, ये इरेगुलर बोन होती है। और सिसमॉइड बोन होती है आपकी, ये रिजेंबल करती है सीसेम सीड की शेप को, इसलिए इसे सिसमॉइड बोन बोलते हैं। और ये आपको नी, हैंड और फोटो में मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोन्स दिखा रखी हैं, सबसे ऊपर दिखा रखा है फ्लैट बोन, फ्रंटल दिखा रखा है आपको, और सुटोरल बोन भी दिखा रखे हैं जो छोटा सा पार्ट है, देख सकते हो आप। इसके बाद आपका शॉर्ट बोन दिखा रखी है कार्पल, लेफ्ट ये वाला देख सकते हो आप, ये आपकी शॉर्ट बोन हो गई। ठीक है, कार्पल हो गया, इधर ये आपका इरेगुलर बोन हो गई। ठीक है, वर्टिब्रे और क्या कहते हैं, ये आपका वर्टिब्रे का हिस्सा है। ठीक है, ये आपका शॉर्ट बोन का हिस्सा है। सिसमॉइड बोन कुछ इस तरीके की होती है, पटेला, ये आपके जॉइंट्स में होती है। ठीक है, मतलब जो पैर के जॉइंट्स होते हैं वहाँ होती है। और ये आपकी लॉन्ग बोन होती है, फेमोर बोलते हैं, ये देख सकते हो आप। तो इस तरीके से आपके बोन्स होती हैं जिनको थोड़ा बहुत दिखाया गया है यहाँ पे। फिर तरह तरह के जॉइंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट वो जगह होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन्स जुड़ी हुई होती हैं स्केलेटन और बॉडी के। जॉइंट फिक्स भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है। स्टडी को, जॉइंट की स्टडी को हम बोलते हैं आर्थ्रोलॉजी, सॉरी। और कैपेबिलिटी के हिसाब से मूवमेंट की जो जॉइंट्स होते हैं उनको क्लासीफाई कर सकते हैं तीन कैटेगरीज में। पहला होता है इमूवेबल और सिनर्थ्रोरिजिस जॉइंट्स, सेकेंड होता है स्लाइटली मूवेबल और एम्फरथ्रोसिस जॉइंट, और थर्ड होता है फ्रीली मूवेबल और डायर्थ्रोसिस जॉइंट। तो इन तरीके से तीन तरीके के जॉइंट्स होते हैं और तीनों का अलग अलग रोल होता है। पहले वाले में तो मूव ही नहीं हो सकते, उन्हें सिनर्थ्रोसिस जॉइंट्स बोलते हैं। दूसरे वाले थोड़े मूव हो सकते हैं, उनको एम्फरथ्रोसिस जॉइंट्स बोलते हैं। और तीसरे होते हैं फ्रीली मूवेबल, जिनको आप इजीली मूव कर सकते हैं, वो होते हैं डायर्थ्रोसिस जॉइंट्स। ठीक है, देख सकते हो इमूवेबल होता है आपका या सिनर्थ्रोसिस जॉइंट्स में आता है। जॉइंट्स इमूवेबल जो है आपका आता है, देख सकते हो ये सिट्यूड, ये क्या होता है, ये एक तरीके की बोन होती है। ठीक है, और इसके बीच में आप देख रहे हो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और जो इसे बोलते हैं हम फाइब्रस जॉइंट्स, जो को स्कल की बोन्स के अंदर मिलता है। ठीक है, ये इमूवेबल होता है। स्लाइटली मूवेबल के एग्जाम्पल है सर्फेसिस जो बोन्स के सेपरेटेड होते हैं कुछ इंटरवीनिंग सब्सटेंस के, तो स्लाइट मूवमेंट ही पॉसिबल हो पाती है इनके अंदर। दो वेराइटीज होती हैं, एक होती है सिम्फाइसिस, एक जॉइंट जहाँ पे दो लॉन्ग बोनी सर्फेसिस कनेक्टेड होते हैं ब्रॉड फ्लैट डिस्क से फाइब्रो कार्टिलेज के, एग्जाम्पल इंटरवर्टिब्रल या फिर प्यूबिस जॉइंट। और दूसरा है सिंकोंड्रोसिस, एक टेम्प्रेरी फॉर्म ऑफ जॉइंट है, कार्टिलेज चेंज हो जाता है बोन के अंदर एडल्टहुड से पहले, तो ये कहाँ मिलता है आपको, डायफिसिस और एपिफाइसिस के बीच में बोन्स ये। इसके बाद आता है आपका, ये देख सकते हो आप, ये आपको एग्जाम्पल दिखा रखे हैं जो सिंकोंड्रोसिस का है, ये रहा एग्जाम्पल, या आपको रिप्स में स्टर्नम, ये रहा आपका कोस्टर्नल, ये रहा, और ये जो एपिफाइसियल प्लेट है हाइलिन कार्टिलेज, ये आपको मिलेगी, ये रही आपकी, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपके होते हैं सिंकोंड्रोसिस जो स्लाइटली मूवेबल होती है। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं ये वाली सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस का एग्जांपल देख सकते हो, ये जो आपका हिस्सा है आपका पेल्विक का, वहाँ पे ये जो छोटी सा हिस्सा है सिम्फाइसिस प्यूबिस है। ठीक है, ये वर्टिब्रल डिस्क में आपकी ये फाइब्रो कार्टिलेज है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। इसके बाद आता है फ्रीली मूवेबल और डायथ्रोसिस जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट्स बोलते हैं इन्हें। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ज़्यादातर टाइप्स ऑफ जॉइंट्स होते हैं बॉडी के और बोन्स कवर्ड होते हैं हाइलिन कार्टिलेज से, और ये सराउंडेड होते हैं फाइब्रस आर्टिकुलर कैप्सूल से जो स्टैंडर्ड होते हैं लिगामेंट से,
इनमें छह कैटेगरीज होते हैं। पहले होते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स, सैडल जॉइंट्स, बोल एंड सॉकेट जॉइंट्स, पाइवेट जॉइंट्स। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रॉपिकल साइनोवियल जॉइंट दिखा रखा है, जॉइंट उसमें साइनोवियल कैप्सूल है, ये एक तरीके से ट्रॉपिकल साइनोवियल जॉइंट का आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है। इसके बाद आप देख सकते हो इनके बारे में बताया गया है और फिगर भी दिखाई गई है। देखिए ग्लाइडिंग जॉइंट्स, ग्लाइडिंग जॉइंट्स आपके कौन से होते हैं, ये बोन्स के बीच में होते हैं जो फ्लैट और नियरली फ्लैट आर्टिकुलर सर्फेस से मीट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो ये हैंड है आपका, हैंड आप इस तरीके से मूव कर पाते हो ग्लाइडिंग जॉइंट्स की वजह से। हिंज जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स आपके क्या होते हैं, ये एक राउंडेड सर्फेस होता है जो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाता है इस तरीके से कि जो मूवमेंट होती है वो एक ही प्लेन में पॉसिबल होती है। जैसे कि एल्बो जॉइंट के अंदर, एल्बो जॉइंट के अंदर आपका क्या होता है, हिंज जॉइंट होता है। फिर कॉन्डिलॉइड जॉइंट होता है आपका, ये एलिप्सॉइड होते हैं और ये करते हैं अलाउ करते हैं एंगुलर मूवमेंट को दो डायरेक्शन में, फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन सर्कमडक्शन एज इन द रिस्ट जॉइंट। ठीक है, बट नॉट रोटेशन। तो रिस्ट जॉइंट में आप क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो लेकिन रोटेशन नहीं कर सकते, तो ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स की वजह से होता है। फिर सैडल जॉइंट्स, ये जॉइंट क्या करते हैं, ये जॉइंट परमिट करते हैं ग्रेट फ्रीडम मूवमेंट के और ये आपके थंब को इनेबल करते हैं टू बी अपोज टू द फिंगर्स। ठीक है, और इसी वजह से आप अपने थंब को फिंगर के अपोजिट ले जा पाते हो, ये आपके सैडल जॉइंट थंब्स में होते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं आपके शोल्डर के अंदर और ये एक राउंडेड होता, मतलब एक दूसरे के अंदर घुसा होता है कैविटी के दूसरे की बोन के अंदर के और ये परमिट करता है मूवमेंट को हर डायरेक्शन में, एग्जांपल हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट। ठीक है, हिप जॉइंट में भी यही होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके बाद पाइवट जॉइंट्स होते हैं, ये जॉइंट्स होते हैं रोटरी मूवमेंट के एक एक्सिस में और रिंग रोटेट करती है एक पाइवट के अराउंड, एग्जांपल एटलास एंड एक्सिस बोन्स एट द टॉप ऑफ नेक फोरआर्म। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे पाइवट जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ एंगुलर मूवमेंट्स हो रही है, फ्लेक्शन हो रही है, एक्सटेंशन शोल्डर और नीज पे। ठीक है, फ्लेक्शन आपने हैंड ऊपर नीचे ले जा रहे हो या पैर को पीछे ले जा रही है, ये आपका फ्लेक्शन है। ठीक है, जब हाथ को आप ऊपर की तरफ ले जा रहे हो तो फ्लेक्शन है, पैर को पीछे की तरफ ले जा रहे हो फ्लेक्शन है, जब वापस ला रहे हो तो वो एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ मूवमेंट्स को बताया गया है। इधर भी आप देख सकते हो एक्सटेंशन फ्लेक्शन बता रखा है आपके सर के उसमें भी, तो देख सकते हो, आपको सारी चीज़ें बताइए किस तरीके से मूवमेंट्स होती हैं, देख अगर आपको देखना है पॉज करके देख सकते हो। इसके बाद आता है आपके प्रॉपर्टीज मसल्स के, जो मसल सेल्स होते हैं जिनको हम मसल फाइबर्स ही बोलते हैं, मायोसाइट्स, ये फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं हमारी मसल्स की। तो फॉलोइंग चार प्रॉपर्टीज होती हैं जो डिस्टिंग्विश करती हैं उनको अलग दूसरे सेल से। सबसे पहले होती है एक्साइटेबिलिटी, ये कैपेबल होते हैं स्टिमुलेशन के नर्व्स के थ्रू केमिकल सिग्नल से। ठीक है, मतलब कि ये नर्व्स के थ्रू क्या होते हैं, इनके सिग्नल रिसीव करके ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि मूवमेंट कर सकते हैं बेसिकली। मसल्स ही होती हैं जो बोन्स को फोर्स करती है मूवमेंट करने के लिए। सेकंड है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये कैपेबल होती है कॉन्ट्रैक्ट होने की जब एक न्यूरल इनपुट दी जाती है। ठीक है, इसी वजह से आप अपने हाथ को बेंड करते हो तो कुछ मसल्स ऊपर नीचे होते हैं आपके बाइसेप्स की। एक्सटेंसिबिलिटी क्या होती है, ये आपकी पोजेस एक्सटेंसिबिलिटी होती है, इसके अंदर जो कैपेसिटी होती है स्ट्रेच करने की, स्ट्रेच कर सकते हो आप, ये होती है एक्सटेंसिबिलिटी। और चौथा है इलास्टिसिटी, ये कैपेबल होता है रिटर्न करने के अपनी ओरिजिनल रेस्टिंग लेंथ में स्ट्रेच होने के बाद, ये होता है इलास्टिसिटी इसकी प्रॉपर्टी। इसमें आता है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ये होते हैं सेल्स क्या करते हैं, जनरेट करते हैं पुलिंग फोर्स को। एक्साइटेबिलिटी में नर्वस इंपल्सेस ट्रैवल करती है मसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ताकि कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट हो सकें। और एक्सटेंसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो मसल्स है वो वापस हम ओरिजिनल लेंथ पे ला सकते हैं मसल एक्शन को अपोज करके। इलास्टिसिटी होती है स्ट्रेच होने के बाद जो मसल होती है वो पैसिवली रिकॉइल करती है अपनी रेस्टिंग लेंथ को रिज्यूम करने के लिए, वापस उसी में आने के लिए। तो ये चार प्रॉपर्टीज मसल्स की है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में आप कॉन्ट्रैक्टिलिटी में देख सकते हैं किस तरीके से मसल कर रही है, वो कंप्रेस हो गई है। और एक्साइटेबिलिटी में आपने उसमें उसको स्टिमुलस दे रहे हो तो वो रिएक्ट करेगी उस पर। एक्सटेंसिबिलिटी में तो एक्सटेंड हो गई है, इलास्टिसिटी में आप उसे एक्सटेंड कर रहे हो वापस उस पोजीशन में आ जाएगी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मसल्स की। इसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ मसल्स।
तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स में आप देखते हैं कि वॉलंटरी और स्केलेटल मसल्स होती हैं, कार्डिक मसल्स होती है, इनवॉलंटरी और स्मूथ मसल्स होती हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स में, जितनी मसल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर वो क्या करती हैं, कुछ बायोकेमिकल स्पेशलाइजेशन को शो करती हैं जो उनको अलाउ करती है ताकि वो अपने पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म कर सकें। जैसे कि जो आईबॉल्स होती हैं स्टेड होती हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स के थ्रू जो हम रीड कर रहे होते हैं, और उनको क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है क्विकली और प्रिसाइजली। और जो मसल्स होती हैं बैक और बटक्स में वो क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं कंटिन्यूस हैवी लिफ्टिंग के लिए, ठीक है, जहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और जो होलो विस्केरा है ये ज़रूरत होती है इसको स्लो स्टेडी स्क्वीज की ताकि वो फंक्शन प्रॉपरली फंक्शन कर सकें। तीन तरीके की जो मसल्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो ये है, वॉलेंट्री और स्केलेटल मसल, ये कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर होती है। हर फाइबर एनॉर्मस मल्टी न्यूक्लियट सेल होता है जो बना होता है हंड्रेड ऑफ मायोब्लास्ट से और एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। दे शो अ स्ट्राइएटेड पैटर्न, ये स्ट्राइएटेड पैटर्न को शो करते हैं जो रिफ्लेक्ट करते हैं रेगुलर अरेंजमेंट को सैक्रोमेयर्स के हर सेल के अंदर। कार्डिक मसल होती है ये स्केलेटल मसल के सिमिलर होती है लेकिन ये कॉन्शियस कंट्रोल के अंडर नहीं होती है, ये मोनोन्यूक्लियट सेल्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं लेकिन फिर भी क्या चाहिए होती है, एक स्ट्राइएटेड पैटर्न को शो करते हैं ये। इनवॉलंटरी और स्मूथ मसल ये क्लोजर होते हैं नॉन मसल सेल्स के, तो नो रेगुलर स्ट्राइएशंस विजिबल नहीं होती और जो कॉन्ट्रेक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्लोअर होती हैं। स्मूथ मसल मिलती है आपको ब्लड वेसल्स के अंदर, गट में, स्किन में, आई पीपल्स, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स। तो इस तरीके से मसल्स के स्ट्रक्चर होते हैं, अब एक एक करके बताएंगे। जो स्केलेटल वॉलंटरी और स्ट्राइड मसल है इसमें दो ब्रो टाइप्स होते हैं, स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच, ठीक है। तो टाइप वन जो स्लो ट्विच होते हैं जैसे रेड मसल ही बोला जाता है, ये कैपिलरी से भरे हुए होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में रिच होते हैं और मायोग्लोबिन में भी, जो मसल टिश्यू को उसके करेक्टरिस्टिक रेड कलर को देते हैं और ये करते हैं ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं और एरोबिक एक्टिविटी को सस्टेन कर सकते हैं फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को फ्यूल की तरह यूज़ करके। जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ज़्यादातर टाइम के लिए पर कम फोर्स से। इसके बाद जो आता है आपका फास्ट ट्विच मसल, इसमें तीन मेजर टाइप्स होते हैं, आप सेकेंड ए, सेकेंड एक्स एंड सेकेंड बी, जो वेराई करते हैं बोथ कॉन्ट्रैक्टाइल स्पीड में और फोर्स जनरेटेड में भी, ठीक है। तो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पावरफुली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लेकिन थक भी बहुत जल्दी जाते हैं, जिससे क्या होता है बहुत ही शॉर्ट एनारोबिक बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी को सस्टेन कर पाते हैं, जिससे पहले क्या होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन पे पेनफुल बन जाती है। ये कंट्रीब्यूट करते हैं ज़्यादातर मसल स्ट्रेंथ के लिए और इसमें ग्रेटर पोटेंशियल होता है मास इंक्रीज के लिए। जो टाइप सेकंड भी होता है ये एनारोबिक होता है, ग्लाइकोलिटिक होता है, वाइट मसल होती है जो लीस्ट डेंस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और मायोग्लोबिन में। कुछ जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे कि रोडेंट्स, ये मेजर फास्ट मसल टाइप होते हैं, ठीक है, जो जिस वजह से उनका पेल कलर होता है उनके फ्लैश का, ठीक है। और फिर उसके बारे में यही सारी चीज़ें आप देख के इसे समझ सकते हैं। इसके बाद इनवॉलंटरी और स्मूथ और अनस्ट्राइड मसल्स, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट्स के लिए जो भी एसोसिएटेड होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जो भी मूवमेंट्स होती हैं वो इनवॉलंटरी मसल या स्मूथ मसल की वजह से हो पाती हैं। कंट्रोल एंड एडजस्ट करते हैं डायमीटर को ब्लड वेसल्स का और डक्ट्स का ग्लैंडुलर टिश्यू के, और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिना किसी नर्वस स्टिमुलेशन के, ठीक है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही होती रहती हैं ये चीज़ें। रेस्पॉन्ड करते हैं ये स्टिमुलाई से स्लोली, लेकिन ये कैपेबल होते हैं लॉन्ग टाइम सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन के, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो ये ओएसोफेगस है, स्टमक है और ये ड्यूडोनियम है। जो ओएसोफेगस और ड्यूडोनियम होते हैं यहाँ पे ये स्मूथ मसल्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कार्डियक मसल, ये आपकी हर्ट के अंदर मिलती है, इनवॉलेंट्री होती है, इसमें लिटिल कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की। जो कलर होता है फाइबर का वो रेड होता है, स्ट्राइप्स वॉलंटरी मसल्स की तरह होती हैं, फाइबर्स में क्या होती है ब्रांचेस हो सकती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कार्डियक मसल में दिखा रखा है जूम करके, यहाँ पे ये ब्रांचेस है इसके अंदर। इसके बाद कार्डिक मसल के बाद आपके जो फंक्शंस होते हैं मसल्स के वो होते हैं मूवमेंट, स्टेबिलिटी, थर्मोजेनेसिस, बॉडी मूवमेंट, रेस्पिरेशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गन्स एंड वेसल्स, हार्ट बीट, ये सारे आपके फंक्शंस होते हैं मसल्स के, ठीक है। इसके बाद फंक्शंस मसल्स के एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका फंक्शन है, तो उसका पहला फंक्शन होता है जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो मूवमेंट को क्रिएट करता है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन होता है ये वॉलंटरी ग्रोथ और फाइन मूवमेंट्स को प्रोड्यूस करना। जो लार्ज मूवमेंट्स होती हैं जैसे कि वॉकिंग, स्टैंडिंग, रनिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स और लिफ्टिंग वेट्स, ये होती हैं। और स्मॉलर मूवमेंट्स इसमें होती है च्यूइंग,
क्लोजिंग द आइज, राइटिंग एंड टॉकिंग, ये सब होती है। इसके बाद मस्कुलर सिस्टम का सेकंड फंक्शन होता है, ये ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं और मसल्स होती हैं लोअर बैक की, ये मदद करती हैं वाइटल ऑर्गन्स को बॉडी के प्रोटेक्ट करने के लिए। जो रेक्टस एब्डोमिनस होता है, जिसे सिक्स पैक मसल भी कहते हैं, जो ओब्लिक्स मिलते हैं साइड में टोर्सो के, और जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होता है, जो साइड टू साइड रन कर रहा होता है फ्रंट में एब्डोमिनल कैविटी के, ये प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को फ्रंट और साइड से। जो लैट्स, क्वाड्रेट्स और लम्बरम होता है, और जो साउस मसल्स होती हैं जो बॉटम एरिया से रिब्स की पेल्विक बोन्स तक आती हैं, वो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है बैक से, ठीक है, बैक से एब्डोमिनल कैविटी के, ठीक है। और इस तरीके से ऑर्गन्स प्रोटेक्ट होते हैं मसल्स के थ्रू। जो कार्डियक मसल्स होती हैं, ये पंप करती है ब्लड को। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट मसल का, ये इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है, आपके कंट्रोल में नहीं होता। और ये प्राइमरी कौन कंट्रोल करता है, हार्ट के खुद के इलेक्ट्रिकल सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होता है। हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है रिसीव करने के लिए ब्लड को मसल से वापस, और ये लंग्स में पंप भी करता है और उसको वापस आर्टरी से पंप करता है ताकि एंटायर बॉडी तक पहुँच सके ब्लड। तो स्मूथ मसल क्या करती हैं, डाइजेशन में हेल्प करती हैं। जो मसल्स होती हैं स्टमक की और इंटेस्टाइन्स की, ये वर्क करती हैं इंजेस्टेड फूड को प्रोसेस करने में। और जो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं स्टमक और इंटेस्टाइन्स में, ये मदद करते हैं डाइजेशन में और फूड को मूव करने में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर। इसके बाद आते हैं आपके स्मूथ मसल और क्या करती है, ब्लड फ्लो को भी इंश्योर करके रखती हैं। कुछ स्मूथ मसल्स वॉल्स के अंदर होती हैं ब्लड वेसल्स के, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो आर्टरीज होती हैं एक्सपेंड करती हैं ब्लड को एक्सेप्ट करने के लिए। जो स्मूथ मसल्स होती हैं आर्टरीज के अंदर, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ब्लड को पुश करने में बॉडी ब्लड वेसल के पूरे थ्रू आउट सिस्टम में, ब्लड वेसल सिस्टम के अंदर बॉडी के। और इसी वजह से जो प्लैक होता है बिल्डअप हो जाता है किसके ऊपर, इनसाइड एंड वॉल्स के आर्टरीज के। जो आर्टरीज होती हैं ये हार्डन मतलब सख्त हो जाती हैं, और मसल जो होती हैं आर्टरीज में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है उसके अंदर प्रॉपरली। इसके बाद आएगा आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैकेनिज्म रेस्पिरेशन, ठीक है। तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इनेबल करता है ब्रीथ करना ऑक्सीजन में, मतलब वो ब्रीथ कर सकें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सकें। जो एक्ट ऑफ ब्रीदिंग होता है इसमें क्या चीज़ होती है, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग एयर होता है बॉडी का, और जो एब्जॉर्प्शन होता है ऑक्सीजन का एयर से वो किया जाता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। डिस्चार्ज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो एक बाय प्रोडक्ट होता है इस प्रोसेस का। इसके बाद जो पार्ट्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, दो होते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है जिसमें होता है आपका नोज, माउथ और ट्रैकिया के बिगनिंग, ये सेक्शन एयर को लेता है अंदर और उसे वापस छोड़ता है, ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या करता है, ये ट्रैकिया होता है इसके अंदर, ब्रोंचाई, ब्रोंचायल्स और लंग्स होते हैं। जो एक्ट ऑफ ब्रीदिंग का एक्चुअल में होता है वो इस पार्ट के अंदर होता है सिस्टम के। इसके बाद आता है, आप देख सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के आपके पार्ट्स दिखा रखे हैं, नोस्टल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंचाई, लंग्स, एल्वोलस, डायफ्रेगम, एक एक करके थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। तो आपके जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट्स होते हैं वो होते हैं माउथ, नोज एंड नेसल कैविटी। जो फंक्शंस होते हैं इस बॉडी पार्ट, इस पार्ट के वो सिस्टम के, वो क्या करते हैं, वार्म करते हैं, फिल्टर करते हैं और इनकमिंग एयर को मॉइस्टन कर देते हैं, उसमें नमी भर देते हैं। फेरिंग्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो थ्रोट होता है डिवाइड हो जाता है ट्रैकिया में, जैसे विंड पाइप कहते हैं, और एसोफेगस जो कि फूड पाइप होता है, और एक और स्मॉल फ्लैप होता है कार्टिलेज का जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिस, जो फूड को प्रिवेंट करता है ट्रैकिया में एंटर करने से। लैरिंग्स क्या होता है, इसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, जैसे कि ये होता है जहाँ पे साउंड जनरेट होती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, अभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ तो लैरिंग्स के थ्रू ही कर पा रहा हूँ, मेरे वॉइस बॉक्स के ही, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ये देख सकते हैं कुछ पार्ट्स आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है। इसके बाद आते हैं आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के पार्ट्स, जो होते हैं ट्रैकिया, ब्रोंचाई। ट्रैकिया होता है आपका, इसे विंड पाइप भी बोला जाता है, जो कि एक ट्यूब होती है और ये कैरी करती है एयर को थ्रोट से लंग्स तक, और इसमें रेंज जो होती है इसकी 20 से 25 सेमी डायमीटर में और 10 टू 16 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो इनर मेम्ब्रेन होती है ट्रैकिया की, ये कवर्ड होती है टाइनी हेयर्स में जिसे बोलते हैं सीलिया, जो पार्टिकल्स को डस्ट के कैच करता है और जिन्हें हम रिमूव कर सकते हैं कफिंग करके, ठीक है। ब्रोंचाई क्या होता है, जो ट्रैकिया होता है ये डिवाइड होता है दो ट्यूब्स में जिन्हें हम ब्रोंचाई बोलते हैं, जो एक एंटर हो रही होती है लेफ्ट साइड में, दूसरी हो रही होती है राइट लंग से। जो लेफ्ट ब्रोंचाई होती है वो नैरोअर होती है, लॉन्गर होती है और ज़्यादा हॉरिजॉन्टल होती है राइट के कंपैरिजन में। एक बार लंग के अंदर क्या होता है, जो ब्रोंचाई होता है वो स्प्लिट हो जाता है सेवरल वेज, कई बार डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ब्रोंचायल्स, जो ब्रोंचाई होता है ये कंटिन्यू होता रहता है, कंटिन्यू डिवाइड होता रहता है और ब्रोंचायल्स बन जाता है, क्योंकि वो छोटी छोटी नैरो ट्यूब्स होती हैं 1 मिलीमीटर से भी कम डायमीटर में, और इसे कोई कार्टिलेज नहीं होता है ब्रोंचायल्स के अंदर, और इसे कहते हैं एल्वोलर सैक्स तक पहुँचती हैं, एल्वोलर सैक्स जो बैग होते हैं। फिर एल्वोलाई क्या होता है, इंडिविजुअल होलो कैविटीज होती हैं एल्वोलाई की, बहुत ही पतली वॉल्स होती हैं जो परमिट करती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, इन गैसेज का एक्सचेंज परमिट करती है। इसके बाद आता है आपका, ये सराउंडेड होती है एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, जिसमें क्या होता है आपकी जो इंस्पायर्ड गैसेज होती है वो पास होती हैं। अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन एल्वोलाई होते हैं किसी भी एवरेज एडल्ट टंग के अंदर,
डायफ्रैगम एक ब्रॉड बैंड ऑफ मसल होता है जो लंग्स के नीचे होता है और उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कितने तरीके के रेस्पिरेशन होती है। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, इसमें जो गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वोलाई और ब्लड के बीच में होता है। ये एक प्रोसेस होता है ऑक्सीजन को इनहेल करना एयर से लंग्स के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर एयर में छोड़ना। जो एक्सचेंज होती है गैसेस का बहुत अंदर और ब्लड के बाहर, ये साइमल्टेनियस होता है, मतलब एक साथ होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का ब्लड और टिश्यू सेल्स के बीच में, इसे हम टिश्यू रेस्पिरेशन भी बोलते हैं या सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, एक तरीके का मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन टिश्यूज़ में रिलीज होती हैं या लिविंग सेल्स में और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती हैं ब्लड के थ्रू। एक बार सेल के अंदर पहुंच जाए तो ऑक्सीजन होती है वो यूज़ होती है एनर्जी को प्रोड्यूस करने में एटीपी के फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का होता है आपका ब्लड का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो ब्लड के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है आपका फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है प्राइमरी फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम का होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना ब्लड के अंदर, ब्लड को सप्लाई करना ऑक्सीजन से ताकि कह सकें ब्लड डिलीवर हो सकें ऑक्सीजन हर पार्ट से कर सकें बॉडी के। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये करता है ब्रीदिंग के थ्रू, जब भी हम ब्रीथ करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। अगर ये सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को सस्पेंड कर देंगे हम 4 मिनट से ज़्यादा तो क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, आपकी जानलेवा हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एयर डिस्ट्रीब्यूशन गैस एक्सचेंज के अलावा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये फिल्टर करता है, वार्म करता है और ह्यूमिडिफाई कर देता है एयर को, ठीक है, उसको क्लीन करता है, थोड़ा गर्म करता है और थोड़ा उसको नमी भर देता है उसमें एयर में जो भी हम सांस लेते हैं। और क्या कहते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये क्या करते हैं, एक और ये भी रोल प्ले करते हैं आपकी स्पीच और सेंस ऑफ स्मेल में। इसके बाद जो एक्ट होता है ब्रीदिंग का, इसमें 2 स्टेजेस होती है, एक होती है इनहेलेशन एक होती है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, इनटेक होती है एयर की लंग्स में एक्सपेंशन और चेस्ट वॉल्यूम से, एक्सहेलेशन में एक्सपेंशन मतलब बाहर निकालते हो आप एयर को लंग्स के थ्रू चेस्ट को कॉन्टैक्ट करके। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में क्या होती है, मसल्स इन्वॉल्व होती हैं डायफ्रैगम और रिब मसल्स, मैंने आपको बताया ये कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं अप्रॉक्सीमेटली 16 टाइम्स पर मिनट, जिससे क्या होती है चेस्ट कैविटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, ठीक है। और आपके ये जो मैंने अभी आपको बताया इसी का थोड़ा आपको डिफरेंस के उसमें फॉर्म में पढ़ सकते हो, सेम ही चीज़ है पिछले वाली स्लाइड्स के। इसके बाद मैकेनिज्म रेस्पिरेशन का देख सकते हो क्या क्या चीज़ होती है, इनहेलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, एक्सहेलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, दोनों चीज़ें शो कर रखी हैं। इसके बाद आता है आपका जो इंस्पिरेशन, जिसे इनहेलेशन बोलते हैं, इनहेलेशन के टाइम पे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, डायफ्रैगम मसल जो होती है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे क्या होता है डायफ्रैगम फ्लैटन हो जाता है, सीधा हो जाता है, जिससे चेस्ट कैविटी एनलार्ज हो जाती है। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है रिब मसल्स का, उससे क्या होता है रिब्स राइज हो जाती हैं और इससे चेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। जो चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपेंड होती है, जिससे एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और एयर को कॉज क्या करता है, पैसिवली ड्रॉन इनटू लंग्स, ठीक है, एयर अंदर आ जाती है लंग्स के, एयर पास हो जाती है हाई प्रेशर आउटसाइड द लंग्स टू लो प्रेशर इनसाइड द लंग्स, ठीक है। और इसके बाद एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन के टाइम पे जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करती हैं, ठीक है, और मसल जो होती हैं ये नो लॉन्गर कॉन्ट्रैक्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही होती, रिलैक्स हो चुके होते हैं, डायफ्रैगम कर्व हो जाता है और राइज हो जाता है, जो रिब्स होती है डिसेंड कर जाती है और चेस्ट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाती है, जो चेस्ट कैविटी होती है कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है एयर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और एयर जो होती है लंग्स के अंदर वो एक्सपेल हो जाती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू। जो एयर होती है हाई प्रेशर लंग्स से लो प्रेशर में जाती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कुछ इस तरीके से देख सकते हो, जो भी मैंने अभी आपको सारा बताया गया उन्हीं के फंक्शन से आप पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है कुछ चीज़ें इसमें आप पढ़ सकते हो प्रोसेस करके आप देख सकते हो, ठीक है। एक ये भी बाकी ये कुछ इनके फंक्शन हैं सारे ऑर्गन के फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम के। इसके बाद आता है इंट्रोडक्शन टू सर्कुलेटरी सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एक ऐसा नेटवर्क होता है जो ब्लड को कैरी करता है पूरे बॉडी के अंदर, और जितने भी एनिमल्स होते हैं सिंपल काइंड्स को छोड़ के उनके क्या होते हैं किसी तरीके के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, सप्लाई करता है सेल्स को बॉडी के फूड और ऑक्सीजन से जो ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, सेम टाइम पे क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है और दूसरे वेस्ट को सेल से दूर। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये भी मदद करता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में और सब्सटेंसेस को कैरी करने में जो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को डिसीज से। जो सिस्टम होता है ये ट्रांसपोर्ट करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस जिन्हें हार्मोन्स बोलते हैं, जो मदद करते हैं रेगुलेट करने में एक्टिविटीज़ को अलग अलग पार्ट्स के बॉडी के। इसके बाद आता है आपका हार्ट, ये एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो ब्लड को पंप करता है। इसमें क्या होता है 2 पंप्स होते हैं जो साथ साथ होते हैं और ये पंप्स क्या करते हैं रिलैक्स करते हैं जब ब्लड को अंदर ले रहे होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब वो ब्लड को बाहर भेज रहे होते हैं।
जो लेफ्ट साइड होती है हर्ट की एक स्ट्रॉन्गर पंप होता है राइट साइड के कंपैरिजन में, जो स्ट्रॉन्गर पंप होता है रिसीव करता है ब्लड को लंग से और उसको भेजता है सेल्स में बॉडी के पूरी बॉडी भर में आपके, जो वीकर पंप होता है ब्लड को रिसीव करता है सेल्स से बॉडी पूरी बॉडी से और उसको ब्लड को भेजता है लंग्स में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, देख सकते हो आप हार्ट इस तरीके से वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो अपना कि किस तरीके से आपका हार्ट रेट अलग अलग होता है, जब आप रेस्ट कर रहे होते हो, स्कूल में होते हो और स्पोर्ट्स प्ले कर रहे होते हो, तो अलग अलग टाइम पे आपका हार्ट रेट अलग अलग होता है क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है अलग अलग टाइम के हिसाब से, चेंज होती रहती है मतलब ऑक्सीजन की डिमांड। लोकेशन हार्ट की कुछ इस तरीके से होती है, ये थोरेक्स के अंदर लोकेटेड होता है लंग्स और सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ डायफ्राम के ऊपर, ठीक है। 240 ग्राम से 320 ग्राम इसका वेट होता है हार्ट का और ये फ्रंट ऑफ द चेस्ट के पास होता है लोकेटेड और बैक के कंपेरिजन में, और जो स्लाइटली थोड़ा क्या होता है लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है। और ह्यूमन हार्ट में क्या होता है, चार चैम्बर्स होते हैं, देख सकते हो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। जो ब्लड फ्लो करता है वो क्या करता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल करता है, वहाँ से फिर वो लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। जो ब्लड फ्लो होता है ये कंट्रोल होता है वाल्व्स के थ्रू, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो फंक्शंस हार्ट के क्या क्या होते हैं, सर्कुलेशन ब्लड का पूरी बॉडी के अंदर, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है हार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट से और रिटर्न करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है हार्ट से अवे लंग्स तक और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वापस उसे लाता है हार्ट तक, ठीक है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, ग्रेटर फोर्स होते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की कंपैरिजन में, जब आपको ब्लड भेजना होता है पूरे बॉडी पार्ट्स में उसमें फोर्स ज़्यादा लगता है, जब आपका ब्लड वापस आ रहा होता है बॉडी पार्ट से तो उसमें फोर्स कम लगता है। जो भेजने वाला होता है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, जो आने वाला होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, ठीक है। इसके बाद सिस्टमिक सर्कुलेशन ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा से, जो ब्लड पास होता है छोटी छोटी आर्टरी से पास होता है, जो ब्लड को कैरी करते हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी के, आर्टरीज डिवाइडेड होती है और सब डिवाइडेड होते हैं जब तक कि आर्टेरियल्स नहीं पहुँचे, और आर्टेरियल्स में क्या होते हैं छोटे छोटे पैसेज होते हैं और दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मेंटेनेंस करना आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को और रेगुलेशन करना फ्लो ऑफ ब्लड को कैपिलरीज के अंदर। जो कैपिलरीज होती हैं इसकी क्या होती है, थिन वॉल्स होती है ताकि एक्सचेंज हो सकें प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बीच में। ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, ये डायग्राम आप देख के बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट ओरिकल से आपका जो ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करता है ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डिवाइडेड होती है ब्लड को कैरी करने लेफ्ट और राइट लंग में, जो लंग्स में होता है आर्टरी ब्रेक करती है और स्मॉल आर्टरीज के अंदर आर्टरियोल्स में और फिर पल्मोनरी कैपिलरीज में। जो ब्लड होता है ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लीव कर देता है छोड़ देता है, जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं ये यूनाइट करती हैं जब तक कि क्या हो जाए वीन्स नहीं बन जाती है। जो ब्लड होता है वापस हार्ट में आता है फोर पल्मोनरी वीन्स से लेफ्ट ओरिकल में, जो ब्लड होता है वो हार्ट में वापस आता है चार पल्मोनरी वीन्स से लेफ्ट ओरिकल में। इसके बाद आप देख सकते हैं ब्लड ट्रैवल करता है ट्यूब से जिन्हें हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं, तीन तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरीज वीन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज रेड कलर को से डिनोट करी जाएगी अभी, वीन्स को ब्लू कलर से, एक्चुअल में सारी ये रेड कलर की होती हैं, ठीक है। इसके बाद वीन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कैरी करती हैं ब्लड को वापस हार्ट तक, हार्ट सेंड करता है ब्लड को वापस लंग्स तक ताकि और ऑक्सीजन पिकअप कर सकें, और आपकी आर्टरी होती हैं वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से अवे। जो ओर्टा होता है किसी भी हार्ट के अंदर ये सबसे बड़ी आर्टरी होती हैं, जो ओर्टा होता है ये ब्लड को लेता है ऑक्सीजन से और उसको डिलीवर करता है हर पार्ट में बॉडी के, ठीक है। इसके बाद आती है कैपिलरी, ये सबसे ज़्यादा छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं और ये ब्रांच ऑफ होती है वीन और आर्टरी, वीन और आर्टरी से कैपिलरीज निकलती हैं ताकि ये हो सके काम। जब भी हम ब्रीद इन करते हैं तो हमारे लंग्स से रहते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चली जाती है ब्लड वेसल्स के थ्रू, ठीक है। फंक्शन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होते हैं, सिस्टम बना होता है हार्ट आर्टरीज वीन्स और कैपिलरी से, हार्ट एक पंप की तरह वर्क करता है और सर्कुलेट करता है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ये यूनाइट करता है सारे ऑर्गेनिक सिस्टम को बॉडी के एक फंक्शनल यूनिट के अंदर। जो फंक्शंस होते हैं वो ये होते हैं, ट्रांसपोर्ट करना न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीजन को बॉडी सेल्स में, ट्रांसपोर्ट करना कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से लंग्स में, ट्रांसपोर्ट करना हार्मोन्स विटामिन्स मिनरल्स और दूसरे सब्सटेंसेस ऑफ इम्यूनिटी के अलग अलग पार्ट्स हैं बॉडी के,
हीट को ट्रांसपोर्ट करना जिसे हम बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन, एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन होना ब्लड का अलग अलग पार्ट्स में बॉडी के, ठीक है, तो ये सारे फंक्शन होते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन डेप्थ और सेकंड विंड क्या होती है। ऑक्सीजन डेप्थ आपका होता है ये एडिशनल ऑक्सीजन होती है जो आपको लेनी पड़ती है बॉडी के अंदर वाइगरस एक्सरसाइज के बाद, ताकि आप क्या कर सको, सारे सिस्टम को रिस्टोर कर सको उनकी नॉर्मल स्टेट में, इसे ऑक्सीजन डेप्थ बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने के बाद इसलिए रेस्ट जरूरी होता है, ये कुछ टाइम बाद ही ऑक्सीजन जो डेप्थ होता है डिक्रीज हो पाता है, मतलब कि आपका नॉर्मल आप स्टेट पे आ पाते हो वापस। ऑक्सीजन डेप्थ जब भी एनारोबिक एक्टिविटी होती है तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है न्यूट्रलाइज करने के लिए लैक्टिक एसिड को, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। ये एक्सरसाइज के बाद मतलब पे किया जाता है, और ऑक्सीजन जो रिएक्ट करती है लैक्टिक एसिड है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्म करने के लिए। रैपिड और डीप ब्रीथिंग ज़रूरी होती है सॉफ्ट पीरियड के लिए हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के बाद, ताकि क्या सकें डेप्थ को रिपेयर कर सको। ये मदद करता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए जो एक्युमुलेट हो जाती है ब्लड के अंदर इंटेंस एक्सरसाइज के टाइम पे, ठीक है। सेकंड विंड क्या होती है, सेकंड विंड ये रिटर्न होती है रिलेटिव ईज ऑफ ब्रीदिंग की इनिशियल एग्जॉशन के बाद में, जो फिजिकल एक्सर्शन के टाइम पे होता है। रिस्टोर्ड एनर्जी हो जाती है और स्ट्रेंथ हो जाती है, एक पर्सन की एबिलिटी जो होती है ब्रीथ फ्रीली ब्रीथ कर सकते हैं एक्सरसाइज के टाइम पे, जबकि ब्रीथ खत्म होने के बावजूद भी, ठीक है, एक नई स्ट्रेंथ और एनर्जी आ जाती है ताकि कोई भी चीज़ कंटिन्यू कर सकें जो कि एक एफर्ट है, ठीक है। तो देखते हैं होता क्या है। और सिम्टम्स जो होते हैं सेकंड विंड से पहले कुछ ऐसे होते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, चेस्ट से पेन हो जाता है, हेडेक हो जाता है, मसल से पेन होने लगता है, और ये सब जो भी मसल इन्वॉल्व होती है एक्टिविटी में, इनएबिलिटी की फीलिंग होने लगती है जैसे कि आप वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन डिमिनिशन होने शुरू हो जाता है, और ड्राई थ्रोट की फीलिंग आ रही है, गला सूख रहा है ऐसा लगने लगता है आपको। फिर चेंजेस क्या होते हैं बॉडी में जब सेकंड विंड आती है, तो ब्रेथलेसनेस डिसअपियर हो जाती है, आप सांस सही से लेने लग जाते हो, रेस्पिरेशन का रेट भी लेस हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मल हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्युमुलेशन रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। इसके बाद और क्या चेंज है, मसल्स नॉर्मल हो जाती है, पेन मसल्स में डिसअपियर हो जाता है, मसल स्वेलिंग भी कम हो जाती है, मसल्स का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में क्या चेंज होता है, इसमें जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड ये एक्युमुलेट कम क्वांटिटी में होते हैं, और ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस चैप्टर में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को अभी तक अगर आपने नहीं किया है, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं मेरे साथ और जो मेरी ऑडियंस है जो मेरे को देख रही है बहुत टाइम से, उनको मैं थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मेरे 10,000 व्यूज़ पूरे हो गए हैं टोटल, जिस वजह से मैंने अब चैनल को मोनेटाइज कर लिया है, तो अब मेरे पास इसके थ्रू भी जो पैसे आएंगे मैं इसी वीडियोज़ को और अच्छे बेटर तरीके से बनाने में हेल्प करूँगा, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जल्दी टाइम में मैं आपको लाने की कोशिश करूँगा, वो भी और अच्छे तरीके से समझाने के। तो अगर दोस्तों अच्छी लगी हुई वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, और क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर रखा है चैनल तो लाइक और शेयर करो दोस्तों, इतना ज़्यादा लाइक और शेयर करो कि ये सारे लोगों को मिल जाए, 11th की क्लास के बच्चों को अपने। अगर आप लाइक और शेयर नहीं करना चाहते फ़ोन पे मत करो, एटलीस्ट अपने जो 11th क्लास के फ्रेंड्स हैं उनसे तो शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।